आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। रुकते हैं खबरों की ओर। 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल आकर समंदर पटेल ने बीजेपी छोड़े एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सियासी इस घर वापसी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, क्या सियासी समंदर की उठापटक से बदलेंगे जावाद के समीकरण। चुनाव सर पर है, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दल बदल का खेल भी खूब दिखाई दे रहा है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचकर समंदर पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। समंदर पटेल की ताकत का अंदाजा खूब जानती है। 2018 में जब कांग्रेस ने नीमच जिले की जावद विधानसभा सीट से समंदर पटेल को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और सभी को चौंका दिया। इसलिए जावद विधानसभा को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए दिल खोलकर कमलनाथ ने समंदर पटेल का स्वागत किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप इतनी दूर से आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी, आज बहुत खुशी की बात है। समंदर भाई को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। ये जो वापस इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है, उनका डीएनए क्या है, आपका डीएनए क्या है, कांग्रेस का डीएनए है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अजमा दिया और आज जब ये और आप सब जो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अभी सुबह मैंने प्रेस वार्ता में कहा कि कैसे शिवराज नहीं रहे, क्या रहे, ठगराज। मैं तो उनको जानता था शिवराज के नाम से, जब वो मेरे साथ लोकसभा में थे 2005-06-04 में। उस टाइम के तो शिवराज थे, आज के तो ठगराज है। आज जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसान हो या मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो या नौजवान हो, ये सब आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनके भ्रष्टाचार की शिकार है या गवाह है, ये आज सच्चाई है। और आज सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं, उतनी भारी संख्या में नौजवान है। ये नौजवानों का मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य, पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। हमारे 15 महीनों का कार्यकाल था, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव। हमने एक शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। मुझे याद है जब अतिवृष्टि हुई थी, मुआवजा मिला, आप गवाह हैं, और सीमित समय में मिला, आप सब गवाह। ये आज नियत और नीति प्रदेश। हमने अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में, आप कमाइए पहली किस्त थी, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं चालू खाते वाले। आज मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे।
सिंधिया समर्थक माने जाने वाले समंदर पटेल कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट पर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी बनाए गए, लेकिन वे पिछले कई दिनों से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। विधानसभा के मेरे सभी वरिष्ठ सम्मानित आशीर्वादाता है, युवा साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं कांग्रेस परिवार का ही सदस्य था, बाकी कुछ बड़े के वापस में अपने घर आ गया हूँ। अगर सुबह का फला शाम को आता तो बुरा नहीं कहते हैं। साथियों, मैंने भाजपा में 3.5 साल रहकर भाजपा को बहुत करीब से देखा है। भाजपा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। वहां पे संगठन और सत्ता में संगठन में पार्षद से लगा के तो विधायक और सांसदों के पर टिकट की गोलियां लग रही है, संगठन के पद नहीं देते जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है भाजपा में ऐसा कहीं नहीं है। और जो पार्टी अपने आप को अनुशासन बताती है, अनुशासन पार्टी है, आज इतने अनुशासनहीनता के वहां है इतने किसी पार्टी में नहीं है। मैंने 3 साल में जो इतना भोगा है, कहीं से देखा लगातार साथ 3.5 साल में इतना साथियों के साथ अन्याय हुआ। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर छोटे मुकदमे दर्ज हुए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फसलों को, खड़ी फसलों को रातों रात नुकसान किया गया तथा मुझे कभी 3.5 साल में भाजपा का मारा ही नहीं। ना तो मुझे शासकीय कार्यक्रमों में बुलाया जाता था, ना सेक्रेटरी कार्यक्रम बुलाया। मैं अपना घबराहट महसूस होने लगी तथा मैं मेरे साथियों कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रहा था, उनके कार्य काम नहीं करा पा रहा था। फिर मेरे सब साथियों ने निर्णय लिया और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को हमने जब पिछले 18 की सरकार देखी है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बही थी और जो कार्य विकास की शुरुआत हुई थी, निश्चित उस कार्य को आज लोग नहीं भूले हैं। और अब हम वापस परिवार में आ गए हैं और मैं इस परिवार में आया हूँ तो मैं कोई बात इसी टीवी की बात करके नहीं आया हूँ। मैं संगठन की सेवा करने के लिए आया हूँ और संगठन हम सब मिलकर हमारे साथियों के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी संगठन जिसको भी वहां से टिकट देगी उसको सब मिलकर चुनाव जिताएंगे और आदरणीय कमलनाथ जी को हराएंगे। क्योंकि साथियों लगातार से आप देख रहे हैं 20 साल में जो प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार और अनियमितता हो रही है, तो जितना गरीबों के साथ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है वो अब सहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरे अपने परिवार में आकर वापस अपने आप को बहुत सुरक्षित और मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ और निश्चित पार्टी संगठन को और आदरणीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ जीवन देकर युवा करूंगा। और आज हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं, ये आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि आप जिसको भी चावल से कांग्रेस को उम्मीदवार बनाएंगे उसको भाई मतों से सच्चे बनाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जावद विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है और कांग्रेस की रणनीति भी साफ दिखाई दे रही है कि समंदर पटेल के जरिए एक बार फिर जावद में जीत का परचम लहराया जा सकता है। अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल।